हमारा अनुभव ही ज़्यादा काम आता है कि आपके हाथ हर एक मौके पे आप कैसे डिसीजंस ले सकते हैं वहाँ पे। सपना मेरा है लेकिन कहीं ना कहीं ये सपना बिहार का भी है। फीस लगती है आप कह सकते हैं एक्सपीडिशन का जो टोटल कॉस्ट लगता है वो लगभग 35 से 40 लाख रुपया लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है अशोक, आप देख रहे हैं बोलता बिहार। बोलता बिहार में हम वैश्विक खबरों पर नज़र रखते हैं जो कहीं ना कहीं जनहित की खबरें होती हैं। आज हमारे साथ नंदन चौबे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में काला नाग पर्वत के ऊपर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा है। सबसे पहले तो हम बोलता बिहार के लिए आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोलता बिहार। पहला सवाल मेरा यही है कि जब आपने काला नाग पर्वत की चढ़ाई की तो क्या चैलेंजेस थे आपके साथ और किस तरीके का आपका अनुभव रहा? चैलेंजेस तो हर माउंटेन्स में होते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी हाइट क्या है, वेदर कंडीशंस क्या है और आप किस सीजन में प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को साइड में भी रखते हैं। तो नेचर का कोई भरोसा नहीं होता है, तो कभी भी आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं, आपका साथ भी दे सकता है, बट हमारा अनुभव ही ज़्यादा काम आता है कि आपके हाथ हर एक मौके पर आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पर। और अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा है और कह सकते हैं कि काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट मोमेंट पे हमारे पास राशन ख़त्म हो गया था और उसके बाद आपको कंटिन्यूसली 17-18 घंटे क्लाइंबिंग करने थे जो कि समुद्र पुश करना था, तो बिना खाए पिए राशन की कमी के वजह से हमें वो डिसीजन भी लेना पड़ा था कि हमें करना भी है क्योंकि और हमें ज़्यादा समय लगता तो और राशन तो था ही नहीं, सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाता। तो कहीं ना कहीं अनुभव भी ठीक था और हर एक सफ़र हर एक एक्सपेडिशन एक नया अनुभव हम लोगों को देता है, तो इस बार भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने को मिली, बट यही अनुभव हमें बाद में बिग चैलेंजेस को फेस करने में भी काम आता है। अच्छा, अभी मीडिया में कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि अभी आप जो है माउंट जो एवरेस्ट है उसकी कुछ चोटियों को आप चढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक अभाव है उसकी वजह से रुकावट आ रही है, कितनी सच्चाई है इस बात के लिए? हाँ, मैं तो बोलूँगा ये पूरी तो सच्ची है कि माउंट जो कि मेरा सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो माउंट एवरेस्ट को सबमिट करना है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंटेन है, तो एवरेस्ट को क्लाइंब करना इट्स नॉट सो इजी कि हम लोग इजी वे में नहीं क्लाइंब कर सकते क्योंकि उसकी जो फीस लगती है आप कह सकते हैं एक्सपेडिशन का जो टोटल कॉस्ट लगता है वो लगभग 35 से 40 लाख रुपया लगता है, तो किसी मध्यवर्गीय परिवार से आना और उस चीज़ को इतने सारे बजट को इकट्ठे करना विदाउट गवर्नमेंट की सपोर्ट से विदाउट जनता की सपोर्ट से सबका आशीर्वाद से ये पॉसिबल नहीं है। सपना मेरा है लेकिन कहीं ना कहीं यह सपना बिहार का भी है क्योंकि ये समिट या क्लाइंब करने के बाद बिहार के इतिहास में एक नया कीर्तिमान के पन्नों पे शायद लिखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ कि इस चीज़ को अपने ड्रीम जो पीक है उसको सबमिट करूँ मैं। और सपोर्ट फिलहाल तो सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है जो कि बहुत ही एक निंदनीय बात है क्योंकि हम अपने लाइफ को रिस्क में डाल के हम माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, एक स्पोर्ट्स का स्पिरिट लगते हैं लेकिन अगर हमें उनको सपोर्ट ना मिले तो कहीं ना कहीं हमें भी हताश होना पड़ता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं सरकार से भी अपील करूँगा कि वो ऐसे बच्चों को या पर्वतारोहियों को या स्पोर्ट्स में जो भी है आप सामने आए उनके लिए कोई नया प्रावधान करें, उनको सपोर्ट करें कि ताकि आज स्टेट लेवल जो कहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं कहीं ना कहीं कल अपने देश के लिए भी बड़ा नाम ला सकते हैं और अपने गर्व से अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अच्छा, आप बिहार के सबसे युवा पर्वतारोही हैं, जब आपको लोग कहते हैं कि सबसे आप युवा पर्वतारोही हैं तो कैसा महसूस करते हैं और किस तरीके की बातें आपके मन में होती हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि यह सच है कि मैं सबसे युवा पर्वतारोही हूँ और मैंने जितने अभी तक माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं लगभग 15 से 20 माउंटेन शायद आज तक
अभी तक बिहार से किसी ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जज्बा है, मैं उम्र के आकलन को नहीं मानता हूँ। वो इंसान शायद अगर उसके अंदर पैशन है या जज्बा है तो कोई इंसान 60 की उम्र में भी अपने जो कहते हैं सपने को जी सकता है और उसको पूरा कर सकता है। तो हाँ, मैं ये इसका शुक्रगुजार ज़रूर हूँ कि मेरे उम्र से पहले ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और बस नाम कमाना है और देश का नाम आगे करना है। आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया, नंदन चौबे ने बताया कि किस तरीके से संसाधन के अभाव में जो स्पोर्ट है, जो पर्वतरोहण है, धीरे धीरे दम तोड़ जाता है और कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता की वजह से इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं मिलता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। बक्सर से अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।